दोस्तों स्वागत है आपका सीरीज की चौथी वीडियो में। आज ये वो चौथी वीडियो है दोस्त मेरे भाई। पहली वीडियो में हमने आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी कवर कर दी, दूसरे में मैग्नेट कवर कर दी और तीसरे में लाइट भी कवर हो गई है। इस वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी के साथ साथ पूरी फिजिक्स सिर्फ चार वीडियो में खत्म। जो लोग कह रहे थे कि इंटर में बहुत फिजिक्स है, चार वीडियो में खत्म। सारी की सारी पीडीएफ कहाँ है? टेलीग्राम पे जाओ, BDK 10-12 पे देख लो, एक बार आधा के पढ़ डालो, जो दिक्कत है कमेंट कर दो, बात खत्म हो गई। तो आज एक और सिलेक्टेड जितनी भी चीजें संधि डायोड और ट्रांजिस्टर से उसे ढूंढ के ले आए हैं। सरल भाषा में आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ पीएन संधि डायोड भी आप पढ़ोगे काम चल जाएगा। पीएन संधि डायोड क्या होता है? पी मिलाओ, एन मिलाओ, पीएन हो गया। अग्र अभिनत क्या होता है? प्लस वाले को प्लस से जोड़ो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ो। उत्क्रम क्या होता है? उल्टा कर दो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ो। एक पी एक एन, पीएन संधि डायोड हो गया। एक एक अकेला इस्तेमाल करोगे तो आधे में धारा का दृष्टिकरण होगा। अभी कैसे होता समझाते, बहुत आसान है यार। लो देखो, सबसे पहले इसमें अर्धचालक की बात हो रही मेरे भाई। पदार्थ तीन तरीके के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक, जिनमें करंट आता है चालक, नहीं आता कुचालक, थोड़ा बहुत आता है अर्धचालक, बस इतना ही है यार। और अर्धचालक दो तरीके के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक, एक होता है बाह्य अर्धचालक। निज मतलब होता है निजी। लोग कहते हैं ये हमारा खुद का मकान है, ये मेरा निजी मकान है। तो निज का मतलब होता है खुद, और बाह्य का मतलब होता है जब बाहर से कुछ मिला दिया जाए। तो लो भैया दो तरीके होते हैं, एक निज अर्धचालक। कोई भी अर्धचालक अपनी खुद की अवस्था में निज अर्धचालक होता है, जब उसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो वो बाह्य अर्धचालक कहलाता है। अशुद्धि दो तरीके से मिलती है, एक तीन वाली, एक पांच वाली। तीन वाली जब अशुद्धि मिलती है तो उसे कहते हैं पी टाइप। ये देखो दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। ये देखिए बीच में कितना लिखा हुआ, तीन। जब तीन वाली अशुद्धि मिलती है तो उसे कहते हैं पी टाइप, जब पांच वाली अशुद्धि मिलती तो उसे कहते हैं एन टाइप। ऐसा क्यों कहते हैं ये भी बताया जरा। जे लो होता क्या है भाई, लो यहां देखो, मान लिया हमारे पास भैया सिलिकन है। कौन है? सिलिकन है। सिलिकन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार। आपने क्या किया, कोई तीन इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि इसमें मिला दी, मान लिया एक दो तीन। तो देखो एक खाली जगह रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कमी का मतलब माइनस की कमी होगी। इसलिए जो खाली जगह इसे कह देते हैं क्वार्टर, और इस टाइप के अर्धचालकों को कहते हैं पी टाइप। अब अगर आपने पांच वाली मिला दी तो पांच वाली में एक दो तीन चार, सिलिकन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, चार से चार लोग साझेदारी कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो फालतू होता है, इस इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस फालतू होता है, इसलिए माइनस मतलब निगेटिव यानी एन टाइप होता है। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो अर्धचालक क्या होता है, जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक निज अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक। अपनी अवस्था में निज, बाहर से अशुद्धि मिला दी बाह्य, तीन वाली मिलाओगे पी टाइप, पांच वाली मिलाओगे एन टाइप, बात खत्म हो गई। इतना ही है। जब एक पी टाइप और एक एन टाइप को आपस में मिला देंगे तो वो कहलाएगा पीएन संधि डायोड। संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है जुड़ना, जंक्शन। जैसे हम लोग अभी शाहजहांपुर से हैं और हम प्राउड से कहते हैं शाहजहांपुर से हैं। लोग हमसे पूछते क्या क्या चाहते क्या हो यार, तो मेरे भाई हम चाहते हैं कि जब कोई कहे कि शाहजहांपुर कहां है तो लोग पहचाने उसे। ये नहीं, अरे कहां शाहजहांपुर, बता रहे लखनऊ से 200 किलोमीटर पीछे है। जब आदमी लखनऊ को जान सकता है तो शाहजहांपुर को भी जान सकता है। तो शाहजहांपुर हम लोग प्राउड से कहते हैं, और शाहजहांपुर एक जंक्शन हो गया। जंक्शन का मतलब क्या? संधि है, यानी यहां से कई जगह के लिए ट्रेन जाती है तो ये जंक्शन हो गया। मुरादाबाद जंक्शन है, बरेली जंक्शन है, राउजा भी जंक्शन है। क्यों? क्योंकि कई जगह को जोड़ता है आपस में, संधि हो रही ना। तो संधि को इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन संधि डायोड। सर जी डायोड क्या है? डायोड मतलब दो इलेक्ट्रोड, एक पी है एक एन है, तो दो मतलब डाई यानी डायोड है। ठीक भाई, तो लिख दिया, जब एक पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप से मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक भाई, अब क्षय परत क्या होती है? जब पी और एन जंक्शन मिलता है, देखो भाई इसे आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी हम इन सब टॉपिक्स को अलग अलग भी बना चुके हैं। आप चाहते हम सुकून से देखें, दो दो घंटे की वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ पूरा रेडी है अलग से, उसे देख लो कोई दिक्कत नहीं। लो भैया जे पी है जे एन है, दोनों को मिलाया, जहां पे जुड़े ये पीएन जंक्शन है। इस जंक्शन के चारों तरफ पी में कौन था? होल। एन में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है, होल के ऊपर प्लस है। प्लस माइनस जहां होंगे वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी विद्युत प्रोड्यूस। यानी यहां पे क्या होता है? जंक्शन के चारों तरफ एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं विभव प्राचीर।
क्या कहते हैं विभव प्राचीर, और इस पर्त को कहते हैं अवक्षय पर्त। ये लिखा हुआ पीएन संधि के चारों ओर की वह पर्त जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं अवक्षय पर्त कहलाती है। इसके चारों ओर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। इसका मान 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट होता है सिलिकन के लिए। किसी ने वाइवा बनाया है, प्रैक्टिकल बनाया है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जर्मेनियम के लिए कितना मान होता है विभव प्राचीर का, सिलिकन के लिए कितना होता है, या मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, पीएन संधि डायोड में धारा का प्रभाव, लो इधर देखो भैया, पी माने पॉजिटिव, पी माने पॉजिटिव और एन माने निगेटिव। लो पी माने, ये क्विक रिवीजन चल रहा है, कुछ लोग सर जी बहुत तेज लपेट रहे हैं, लपेट नहीं रहे, क्विक रिवीजन वाली वीडियोस हैं ये, बाकी शॉर्ट में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, डिटेल में यहां देखो भैया, जे कौन है पी, जे कौन है एन, पी का मतलब प्लस, एन का मतलब माइनस, प्लस वाले को प्लस से जोड़ दो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दो, बताओ क्या होएगा इससे, जे प्लस है जे माइनस, बताओ। पी में कौन है होल है, प्लस वाले है ना, एन में कौन है माइनस वाले, और तुमने जोड़ भी प्लस से ही दिया। लड़का हमेशा लड़का खड़े, अरे लड़का जा रहा बड़ा ऐसा नहीं होता, लड़का खड़ा होता लड़कियां जा रही होती उन्हें दुखी कर रहा होता। उसी तरीके से जब तुमने प्लस वाले को प्लस से जोड़ते इधर थोड़ी आए उधर भागेगा, ऐसे माइनस को तुमने माइनस तो जो इधर भागेगा, जब दोनों भागेंगे तो होल इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, होल मतलब खाली जगह, इलेक्ट्रॉन उसमें आके फिट हो जाएगा, धारा का प्रभाव होने लगेगा, बस इतना ही है। देखो भाई, जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप एक प्लस वाले को प्लस से धन रूप से माइनस वाले को माइनस से जोड़ते हैं तो दोनों मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में चलकर क्या होते हैं एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इस प्रकार धारा का प्रभाव होता रहता है। बात खत्म हो गई, तो बिल्कुल आसान है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। धारा पहले धीरे धीरे बढ़ेगी फिर एकदम से ग्राफ ऊपर जाएगा, इसे कहते हैं चरघातांकी ग्राफ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल मतलब बूम करके ऊपर, जैसे मान लिया हम कह सकते हैं हमारी ग्रोथ देख लो यार, 2012 में क्या था, 2012 में हमने पढ़ाना शुरू किया, पहले भीख मांगते रहे एक बच्चा दो, तो ग्राफ कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे मरा हुआ ग्राफ था, ये ग्राफ था भाई ये, ऐसे करके लो भाई ऐसे करके पढ़ा रहा था, एक बच्चा दो बच्चा तीन, ऐसे चल रहा था ग्राफ 2017 के बाद ये, क्योंकि 2016 वाले बैच में हमारे इंटर में आपको जान के अजीब लगेगा चार बच्चे थे और 2017 वाले बैच में 27 थे, कुछ लोग कहेंगे इतना भी ज़्यादा क्या, 2018 वाले में 80 बच्चे थे और 2019 वाले में 126 बच्चे थे और फिर वो बढ़ते गए, फिर धुआं भर दिया, यानी वो ग्राफ यूं बूम करके ऊपर, यही तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसके पीछे कारण क्या है, ये जो पीछे का बेस, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे मेहनत हुई है, यहाँ पे काम हुआ है, लोग क्या करते हैं यहीं छोड़ के भाग जाते हैं, यही दिक्कत है। अगर आप यहीं छोड़ के भाग गए तो फिर यहीं पड़े रहोगे जमीन पे, लेकिन अगर वो एक पॉइंट आएगा जहां से चीजें, जिसे नी पॉइंट बोलते हैं, नी का मतलब घूमा हुआ, ये घुटने की शेप में आता है, जो इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया फिर वो धुआं भर देगा भाई जिंदगी में, ये बात हमेशा याद रखना, चीजें सिखाई जाती हैं। फिलहाल तो आगे बढ़ाते हैं, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, उत्क्रम में उल्टा कर दो, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो। अब जैसे ही तुमने प्लस को माइनस से जोड़ा, अब जो उधर नहीं जाएगा, प्लस वाला माइनस की तरफ, जो देखो इधर आएगा जो इधर, और इस कंडीशन में धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी केवल अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है, उत्क्रम में धारा का प्रवाह नहीं होता है। सरल भाषा में एक ही कंडीशन में धारा का प्रवाह होता है, दूसरे में नहीं होता है, इसलिए पीएन संधि डायोड को इस्तेमाल करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। सर जी ये बहुत कठिन नाम है भैया, दृष्टकारी का मतलब होता है डायरेक्ट यानी डीसी करंट, जो हम लोग के घरों में बैटरी वाली करंट होती है वो डीसी करंट होती है, दृष्टकारी आपने 10th में पढ़ा होगा, दृष्ट धारा डायनेमो, क्या होता है दृष्ट धारा, दृष्ट धारा मतलब जिसमें बैटरी वाली करंट का इस्तेमाल हम लोग करते थे। ठीक है, वो कैसी होती थी हमने आपको बता रखा था, यहां देखो ये होती भैया प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें पूरा साइकिल प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है, और ये कौन सी है आधा चक्कर है फिर नहीं है फिर है फिर नहीं है, तो इस तरीके क्या होती है दृष्ट धारा यानी दृष्टिकरण। हम लोगों के पास होगी घर वाली लाइट, प्रत्यावर्ती धारा होगी जिसे हम लोग बदलेंगे दृष्ट धारा में, लेकिन दिक्कत क्या है, अभी हमने आपको बताया जब ये अग्र अभिनत होगा, जे डायोड का जो निशान होता है, जे पी का सिंबल होता है, जे एन का होता है, तो ये पीएन संधि डायोड का निशान है। ठीक है भाई, तो ये यहां पे देखिए डायोड लगा हुआ है, सिंगल डायोड, जब धारा अग्र दिशा में भाई आधे चक्कर में जो चलेगा, अभी हमने आपको दिखाया था, और आधे चक्कर में जो नहीं चलेगा, तो जब आधे में चलेगा तो आधे में तो धारा का दृष्टिकरण होगा, आधे में होगा ही नहीं, इसलिए इसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहेंगे। क्यों, क्योंकि आधे में अग्र अभिनत होगा, अग्र आधे में उत्क्रम अभिनत होगा, लेकिन जब दूसरा पढ़ोगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो एक आधे में ही चल रहा तो दो लगा देंगे, देखो एक ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया, आधे चक्कर में जे चल जाएगा, जब जे बंद हो जाएगा तो आधे चक्कर में जे चल जाएगा, इस तरीके से ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में काम करेगा। ठीक है भाई, फिर आ गया रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग।
रदरफोर्ड एक आदमी थे, इन्होंने क्या किया, सोने की पन्नी पे अल्फा कणों को गिराया। अल्फा कण क्या होते हैं थोड़ा सा बता देते हैं। हीलियम जानते हो, हीलियम क्या होता है, हीलियम बताओ भैया। हीलियम, हीलियम का मतलब होता दो नंबर हीलियम होता भाई। अगर हीलियम में से हम लोग दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके ऊपर दो प्लस आ जाते हैं, तब इसे कहते हैं अल्फा कण। क्या कहते हैं, अल्फा कण। यानी हीलियम के ऊपर, सरल भाषा में हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। कब कहते हैं, जब उसके ऊपर डबल पॉजिटिव यानी दो धन आवेश होता है। ठीक भाई, तो अल्फा कण को जब इन्होंने सोने की पन्नी पे गिराया, सोने का मतलब गोल्ड, 79 इसका नंबर होता है, सोने की पन्नी पे गिराया तो कुछ इस तरीके का खेल हुआ। कुछ जो थे इलेक्ट्रॉन सीधे चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस आ गए, कुछ इस तरीके से। मान लिया इन्होंने, देखो इस तरीके से जे आया टकराया, कुछ क्या हुआ सीट, मतलब टकरा के वापस आ गए, टकरा के वापस कुछ मुड़ गए, कुछ सीधे चले गए। तो इन्होंने कहा इसका मतलब जो परमाणु होता है वो दो भागों से बना होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, इसलिए जो बीच में गए वो टकरा के वापस आ गए, किनारे पे टकराए मुड़ गए, और जो साइड में परमाणु के चारों तरफ खाली जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वहां से कोई गया तो वो सीधा निकल गया। तो यानी सरल भाषा में कहे तो जो अल्फा कणों का प्रयोग था वो क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि परमाणु में नाभिक की खोज करी जा सके। और इस तरीके से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। नील बोर का परमाणु मॉडल है, इन्होंने कहा परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π होता है। इन कक्षाओं की खासियत यह होती है, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, इनमें ना तो ऊर्जा बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की ना घटती है इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता, मतलब इलेक्ट्रॉन थकता नहीं है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है भाई, इस तरीके से ऊर्जा का अंतर इन्होंने बता दिया, जिसे कहते हैं E2-E1 बराबर hν। hν क्या है, ऊर्जा है। ठीक है भाई, इसे आप पढ़ लेंगे। एच लाइक मॉडल के लिए जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी कोई वृत्त के पथ पर घूमता है तो उसमें अभिकेंद्र बल काम करता है, अभिकेंद्र बल का फार्मूला F=mv²/r होता है, कूलाम का नियम आपने पढ़ रखा (1/4π0)। Q1 Q2/r² Q1 के लिए आवेश e होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का, Q2 के लिए e ले लिया, दोनों को बराबर कर दिया, mvr का मान निकाल लिया, आखिरी में r का मान निकल के आया जो समानुपाती होता है n² के। क्यों, क्योंकि जो जितनी बाकी वैल्यू h नियतांक है, ε0 नियतांक है, m नियतांक है, z नियतांक है, e नियतांक है, सब नियतांक है, तो r का मान समानुपाती आ गया n² के। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोहर त्रिज्या निकाल दी। फिर नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिक के कणों को आपस में बांधे रखती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। जब बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उसे विखंडन कहते हैं, छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल जाते हैं तो संलयन कहलाता है। जैसे जो विखंडन में कौन है, लोग अपने पास कौन है, यूरेनियम है। यूरेनियम एक बहुत महंगा सब्सटेंस था सबसे पहले, कुछ समय पहले यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु थी, अब कैलिफोर्नियम सबसे महंगी धातु है जिसका नंबर होता है 98। ठीक है भाई, फिलहाल यूरेनियम का नंबर 92 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल परमाणु बम वगैरह बनाने में होता है, अमेरिका के पास जो बहुत है, भारत के पास नहीं है, भारत के पास अभरक बहुत है। ठीक है, परमाणु बम बनाने के लिए अभरक और यूरेनियम दोनों की जरूरत पड़ती है, तो यूरेनियम भारत लेता है अमेरिका से। ठीक भाई, यूरेनियम पे जो 0N1 क्या है, न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन इससे टकराएगा दो छोटे छोटे हिस्सों बेरियम और क्रिप्टन में जो टूट जाएगा और तीन न्यूट्रॉन बनेंगे, संग में ऊर्जा निकलेगी। जब संलयन की बात करेंगे, संलयन में छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक 1H1 एक प्रोटॉन है, 1H3 एक प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम है। ठीक है, जिसके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, दोनों मिलेंगे तो हीलियम बना दिया, यानी दो छोटे छोटे लोग मिले और हीलियम बन गया। ठीक भाई, उसके बाद श्रृंखला अभिक्रिया, लो यहां देखो, बताओ एक न्यूट्रॉन टकराया तो कितने न्यूट्रॉन बने, 3, ऐसे 3 से 9, 9 से 27 न्यूट्रॉन बनते जाएंगे और इस प्रकार जो अभिक्रिया होगी वो कहलाएगी श्रृंखला अभिक्रिया, और ऐसे द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहेंगे। ये सब आप पढ़ लें। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ध्यान से समझ लो, द्रव्यमान में हानि, ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग तौलोगे वजन ज्यादा आएगा, इकट्ठा कर दोगे कुछ ऊर्जा खर्च हो जाएगी, इस खर्चा को ही द्रव्यमान क्षति कहेंगे। जैसे ₹5 के लाल वाले आलू अलग अलग ले लो, ज्यादा मिल जाएंगे, ज्यादा चटनी डलवा सकते हो, दोनों इकट्ठे ₹10 के खरीदोगे जाके कम मिलेंगे। उसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग होते हैं, द्रव्यमान ज्यादा होता है, जब मिलते हैं तो द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग अलग द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो क्षति आ जाएगी। बंधन ऊर्जा जो बांधे रखती है, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा बी से लिखते हैं, एमईवी में नापते हैं, एमईवी का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है भाई, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं उन्हें AMU में नापते हैं। ठीक है भाई,
कार्बन कार्बन चक्र ही से आप देख लीजिएगा, सूर्य जो है सूर्य, सूर्य में इतना प्रकाश कहां से आता है, सूर्य में इतनी गर्मी कहां से आती है, तो इनमें साइकिल काम करते हैं। सूर्य में दो चक्र काम करते हैं, जहां से सारा जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक कार्बन कार्बन चक्र होता है, एक प्रोटॉन साइकिल होता है। ये वाला ज्यादा कॉमन है, या लिखा हुआ सूर्य में कार्बन की अपेक्षा प्रोटॉन चक्र की संभावना अधिक होती है। नाभिक के संलयन पर डिपेंड होता है, चार प्रोटॉन मिलते हैं, देखो इस तरीके से कई रिएक्शनें होती है, चार प्रोटॉन मिलते हैं हीलियम बनाते हैं, जब हीलियम बना देखो ऊर्जा निकली है, यही ऊर्जा हम लोगों को सूर्य से मिलती है। इसी वजह से सूर्य में लगातार गर्मी लोकत बढ़ रही है, बढ़ रही संलयन हो रहा ना, उसी तरीके से यहां देखो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, कार्बन में भी चार प्रोटॉन मिलते हैं, हीलियम मतलब संघ में ऊर्जा निकलती है, यही ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। ठीक है भाई, आखिरी में युग्म उत्पादन युग्म विनाश की क्रिया। युग्म मतलब जोड़ा होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और गामा फोटॉन प्रोड्यूस होता है, या जब गामा फोटॉन टूटता है, फोटॉन समझते हो, एक आदमी था प्लैंक, आदमी था नहीं कहो थे कहो, बड़े आदमी थे, प्लैंक ने कहा जो प्रकाश है वो डायरेक्ट नहीं चलता, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है एच। ठीक है भाई, तो इस तरीके की चीजें, बाकी यहां पर पांच श्रेणियां हैं, पांच श्रेणियां कौन सी होती हैं, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फोंड, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फोंड, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फोंड। जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाता है तो लाइमन, दूसरी में जाता है बामर, तीसरी में पाश्चन, चौथी में ब्रैकेट, पांचवें में फोंड। ये देखो सब बहुत सारे एनर्जी लेवल बने हुए हैं, इनमें से पहले में जा रहा है तो सब पहले में, जब पहले में जा रहा है तो लाइमन, दूसरे में आ रहे हैं तो बामर, तीसरे में आ रहे हैं तो पाश्चन, चौथे में तो ब्रैकेट और पांच में तो फोंड, ऐसे और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है भाई, इन सब की परिभाषा और फार्मूला यहां पे हमने लगा दिया है, इसे आप देख लें, और इस तरीके से पूरी फिजिक्स उड़ गई। आज ये कुल मिलाकर सीरीज की चौथी वीडियो है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी कहां पे, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए बी डिकेडियन 12, सारी पीडीएफ चार की चारों मिल जाएंगी। पहली का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी का नाम है मैग्नेट, तीसरी का नाम है लाइट, और यह है चौथी, चौथी का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। बस ये चार वीडियो हो गई, अब जो बची हुई तीन वीडियो आएंगी उनमें से दो वीडियो में, एक में हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इंटर में 70 लाना चाहते हो तो आपको सवाल लगाने ही पड़ेंगे मेरे भाई, उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल में क्या होता है, मान लिया नहीं आता है अथवा में मोटर आ जाता है, सस्ते मध्य दो चार न्यूमेरिकल याद कर लिए, छोटे मोटे नहीं, निकट दृष्टि दो सोच वाले बी यू वाले काम चल जाता है। इंटर में ऐसा नहीं होगा भाई, इंटर में कभी कभी ऐसा होता है दोनों चीजें आ जाती हैं, दोनों अथवा में भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे, और सिर्फ बताएंगे नहीं लगवाएंगे, बस अगर आप मन लगा के पढ़ रहा हो दोस्त तो ये चार वीडियो बार बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज़ है, क्योंकि एक महीने बाद पेपर है, बात याद रखो। ठीक है भाई, तो इन्हें देखो, इन पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर लो, आराम से, हम ये नहीं कहेंगे इन पीडीएफ से ही पढ़ो, आप एक रफ कॉपी खरीद लाओ और खुद पहले वीडियो देख ली, उसके बाद कोशिश करी। ये देखो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, उस दिन एक लड़की का मैसेज आया गाँव से कि सर हमारी घर से बहुत दूर है कोचिंग वगैरह, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, गाँव में वैसे भी लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता और आपकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या है यार, ये बात याद रखो। तो इसी वजह से चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आप आराम से रफ कॉपी खरीद लो, और जो दिक्कत आ रही सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। बच्चे केमिस्ट्री के लिए कह रहे थे टेंशन ना लीजिए, बी डिकेडेंट 12th पे केमिस्ट्री की पहली वीडियो बस इंतजार है, आज से लेकर कल तक वो पब्लिक हो जाएगी, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इंग्लिश आ ही रही है, बायोलॉजी आ ही रही है, हिंदी की वीडियो हम आपके लिए लेके आ ही जाएंगे, बात खत्म है, बस क्यों टेंशन ले रहे हो यार। तो बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जाइए टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए बी डिकेडेंट 12, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, मन लगा के पढ़ डालो यार, और जहां कहीं दिक्कत लगे तुरंत कॉमेंट करो, इतना कंटेंट हमने बना दिया है। फिजिक्स की 104 वीडियो अलग बनी हुई है, अलग से 50 के करीब वीडियो, यानी 150 से प्लस वीडियो तुम्हारे लिए हैं, और क्या लोगे यार, अगर सिर्फ पढ़ने पर ही आ जाओगे तो धुआं मजा काट दोगे भाई। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।